हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही खौफनाक कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी स्टोरीज की तरफ। आज की स्टोरी एक फॉरेस्ट रेंजर के साथ घटी सच्ची घटना है। अब मैं सीधा घटना पर आता हूँ। किसी चीज़ ने एक बच्चे को मार दिया था। मुझे नहीं पता वो क्या था, पर मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगा, वो जो कुछ भी था आज तक मैं उससे लड़ता आ रहा हूँ। बात दरअसल कुछ महीनों पहले की है। मैं पेशे से एक पार्क रेंजर हूँ और इस जॉब में दूर से देखा जाए तो कई सारी खुशियाँ मिलती हैं, जैसे कि आप बिछड़े हुए कई बार लोगों को उनकी फैमिली से मिलाते हो और जंगली जानवरों से आपकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। ऐसा सबको दूर से लगता है, पर हर बार ये सच्चाई नहीं होती। शाम का वक्त होने को था और मैं न्यू हैम्पशायर में था, और तब मुझे वो कॉल आई। मैंने अपनी गाड़ी निकाली और लोकेशन के लिए निकल पड़ा। दरअसल मैं बचपन से ही एक फॉरेस्ट रेंजर बनना चाहता था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जॉब थी मेरे लिए। आप इससे कम से कम दुनिया से तो अलग रह सकते हैं। यही सब सोचते सोचते मैं क्राइम सीन पर पहुंच चुका था। वो एक पथरीली जगह थी जहां पर वो डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पानी और खून हर तरफ फैला हुआ था। वो छोटा सा लड़का जिसकी उम्र महज 11 से 12 साल होगी, वो अपने खून से लथपथ, उसके अंग भी शत विशत पड़े हुए थे। मैं उसके बारे में ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, बस वो काफ़ी ज़्यादा भयानक हालत में था। उसकी हालत पहचानने लायक भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि किसी जानवर ने उसे आधा खाया और आधा वैसे ही छोड़ दिया। और भगवान से बस मेरी इतनी ही आशा थी कि काश उसको मौत जल्दी मिल गई हो, ताकि वो तड़पा ना हो। जैसे जैसे मैं अपने पहले के पहुंचे हुए ऑफिसर्स की रिपोर्ट सुन रहा था, मुझे और ज़्यादा लग रहा था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उस बच्चे के पेरेंट्स वहाँ पर आ गए थे, और अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर, उस लड़के की माँ जिस तरह रो रही थी, उसे देखकर मेरा भी दिल पसीज गया। उसके पिता उनके अंदर जितनी हिम्मत थी उससे उनको संभालने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर में बाकी के फेडरल ऑफिसर्स भी वहाँ पर आ गए थे। हम सभी लोग उनके रोने चिल्लाने की आवाज़ों को इग्नोर करते हुए काम करने की कोशिश कर रहे थे, फोटोज़, सबूत इकट्ठा करना वगैरह वगैरह। आप माने या नहीं माने, पर लोग सोचते हैं कि शायद हमें फ़र्क नहीं पड़ता, पर सच तो यह है कि हमें पड़ता है। मुझे अच्छे से पता है कि आज वहाँ पर उनका बेटा है और कल वहाँ पर हमारी फैमिली से भी कोई हो सकता है, पर इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर उनके पेरेंट्स के सामने हम भी ऐसे रोने लगेंगे तो वो क्या करेंगे, उनकी तो उम्मीद ही टूट जाएगी। इसीलिए बस हम अपने दिल को पत्थर का कर लेते हैं, और बस जब कभी गाड़ी में अकेले होते हैं उस समय रोते हैं, उसके बाद अपने काम पर वापस लग जाते हैं। मैं वहाँ पर साइट की तलाशी ले रहा था, और उसी टाइम पर मुझे मेरे पुराने बॉस दिखे। वो थोड़े बूढ़े आदमी हो चुके थे, उनके चेहरे पर एक बड़ा सा कट लगा हुआ था, जो कि वो बताते हैं कि काफ़ी साल पहले लगा था। अच्छी खासी एज होने के बाद भी वो उतने बूढ़े लगते नहीं हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लगते हैं। उनके साथ मैंने काफ़ी समय बिताया है, और सच कहूँ तो वो मेरे लिए बॉस से बढ़कर एक फैमिली थे। जैसे ही मैंने देखा, मैंने उनको इशारा किया। फोटोग्राफर्स के साइड में से निकलता हुआ मैं उनके पास पहुँचा। तुम्हें देखकर अच्छा लगा, उन्होंने मेरी ओर देखते हुए कहा और उस बच्चे की ओर देखने लगे। उसके बाद उन्होंने एकदम से अपना मुंह फेरा और मानो इशारों इशारों में मुझसे बोल दिया कि मेरे पीछे आओ। मैं भी उनके पीछे पीछे जाने लगा, और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो कुछ बताना चाहते हैं, वो मुझे शायद कुछ दिखाना भी चाहते थे। उन्होंने अपने जैकेट के साइड वाले एरिया से एक फोल्डर निकाला और उसे मेरे हाथ की ओर बढ़ाते हुए कहा, लगता है तुम बढ़ रहे हो आगे, तो ये अब तुम्हारा एरिया। हाँ, अभी बस थोड़े टाइम पहले मैं यहाँ पर आया हूँ। तो आप यहाँ कैसे, आपको तो कॉन्कॉर्ड में ही आया था।
मैंने उनके हाथ में से वो फोल्डर लेते हुए कहा। मैं मन ही मन सोच रहा था कि आखिर उसके अंदर है क्या। मैं तब तक उसे खोलकर देख नहीं रहा था जब तक वो मुझसे बोल ना दें। हाँ, मैं गया था वहाँ पर, काफ़ी समय हो गया मुझे। मैंने शुरुआत यहीं से करी थी उसे। जब ब्यूरो से खबर मिली कि यहाँ पर इस तरह का केस हुआ है तो मुझे यहाँ पर आना ही पड़ा। देखो, यहाँ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि बच्चों की मौत इस तरह हुई है। मैंने वो फोल्डर खोला और वो देखने लगा कि आखिर उसमें है क्या। जब मैंने उसे ओपन करा तो पाया कि उसमें कुछ ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ थी उन बच्चों की जो कि जंगल में आकर खो जाते थे। उनके शरीर के चिथड़े हुए पड़े थे और उनका खून पेड़ों पर लगा रहता था। इतने भयानक दृश्य थे उन तस्वीरों में कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उन्हें देख ही रहा था कि मेरे बॉस ने अपनी बात पूरी करते हुए बोला, हमें काफ़ी समय लगा उन्हें ढूंढने के लिए। हम काफ़ी समय तक उन्हें ढूंढते रहे। हम कोशिश कर रहे थे कि हम उन्हें ठीक कर देंगे, चीज़ें सुधर जाएंगी। मैंने 30 आदमी भेजे। उनके पास इतनी गोलियां थी कि वो किसी हाथी तक को मार सकते थे। जो हमें मिला वो थी दो मौतें और एक ऐसी चीख जो कि मैं अपने सपनों में भी नहीं भूल सकता। आसपास के लोग कहते हैं कि किसी तरह का शैतान है वो। कोई अमेरिकन ही था और उसे यहाँ के लोगों ने श्राप दे दिया क्योंकि वो यहाँ पर उनके ऊपर ज्यादती कर रहा था। मैं नहीं कहता कि मैं उन्हें कसूरवार ठहराता हूँ। मैं जानता हूँ कि वहाँ के लोग कैसे होते हैं। आपकी बात सुनकर लगता है कि शायद आप इस बात पर यकीन करते हैं। मैंने ऐसा बोलकर थोड़ा हंसने की कोशिश करी पर उनका चेहरा लगातार मुझे घूर रहा था जो कि बता रहा था कि वो मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। वो मेरी तरफ एक कदम आगे आए और फोटोज की तरफ इशारा करते हुए मेरी आंखों में बिना पल के झपकाए उन्होंने बोला, मुझे उनमें से कुछ बच्चों को दफनाना पड़ा अपने हाथों में रबर के ग्लव्स पहन के। उनके माँ बापों के पास इतना पैसा नहीं था और ना ही इतनी हिम्मत कि वो कफन को अफोर्ड कर सकें। उनकी आंखों में जो डर था वो मेरे को आज तक सताता रहा है। हर रात मुझे वो भयानक सपने आते हैं। और अगर तुम ऐसा नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ भी यही चीज़ हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। इसके बाद उन्होंने मुझे एक नोट दिया जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे। उनकी बातों को सुनकर जानकर मैंने अपनी गाड़ी को वहाँ से निकाला और निकल पड़ा जंगल के एक सफ़र पर। मैं उस एरिया में पहली बार अंदर जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं किस जगह जा रहा हूँ और मेरी मंजिल क्या है। जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा था वैसे वैसे सड़क कम सड़क और घंटे वाली रोड ज़्यादा होती जा रही थी। कई घंटों तक ऐसे ही चलने के बाद मैं एक जगह पर आ गया और तब मुझे लगा कि शायद मैं कहीं खो गया हूँ। फिर मैंने दोबारा उनके दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को पढ़ा। हाईवे से उतर कर 50 मील दूर जहाँ पर लगेगा कि रास्ता ख़त्म हो रहा है वहाँ पर अपने चारों ओर देखना, जंगल तुम्हें खुद ही रास्ता देगा। मुझे नहीं पता था कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। कोई और होता तो शायद इस बात को मज़े में ले लेता और छोड़ देता, पर मैं उनकी बात को ऐसे ही नहीं कर सकता था। मैं हमेशा से काफ़ी समय से उनके साथ रहा था। उन्होंने मुझे ट्रेन किया था और हर चीज़ मैंने उन्हीं से सीखी थी। मेरे पापा इराक के किसी रेगिस्तान में मारे गए थे। उसके बाद मेरे पास बाप के आसपास की कोई भी चीज़ थी तो वो वही थे। मुझे उन पर पूरा भरोसा था। मैं फ्रंट सीट पर पड़ा हुआ कुछ सामान देख रहा था जो कि उन्होंने मुझे दिया था, जिनमें कुछ पैकेट थे सिगरेट के और एक छोटा सा नोट था जो कि मैं 2-3 बार पढ़ चुका था। बच्चे, मैं तुम्हारे साथ जाता पर अब बूढ़ा हो चुका हूँ। मैंने खुद भी कई लाशें देख ली हैं। बस जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना और तुम ठीक रहोगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अपने आप को मजबूत करना। जो तुम्हें दे रहा हूँ तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सिगरेट के डिब्बी को हाथ में ऐसे ही उठाते हुए मैं इधर उधर देख रहा था। मेरे ख्याल से चलते चलते अब मैं ऐसी जगह पर आ गया था जहाँ से कम आगे जाने का रास्ता तो मुझे दिख नहीं रहा था और दोनों तरफ मेरे था तो सिर्फ जंगल, घना जंगल।
मैं सोचने पड़ गया कि अब मुझे कहाँ जाना है, और मैं गाड़ी रोक कर वहीं पर सोचने लगा। अभी मैं सोच ही रहा था कि एकदम से तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगी, और जैसे ये हवाएं चली उसी समय मेरे दाहिने ओर मैंने देखा कि एक रास्ता सा बनता जा रहा था। दरअसल वहाँ पर कई सारी झाड़ियाँ थी जो कि तेज़ हवाओं के कारण अब एकदम से हटने लगी थी। चंद ही मिनटों में हवा के कारण वो रास्ता अब साफ हो चुका था। मैंने वापस अपनी गाड़ी को स्टार्ट करा और धीरे धीरे चलाने लगा। मैं हैरान हो गया था ये सोचकर कि उनकी बात सही निकली, यहाँ पर जंगल ने खुद ही मुझे अंदर आने का रास्ता दिया। उस रास्ते पर कुछ किलोमीटर अंदर जाने के बाद मैंने एक ऐसी जगह देखी जो कि शायद मैं कभी भी नहीं देख पाता, या फिर किसी ने भी कभी ना देखी होगी। ऐसा लग रहा था वो जगह अनंत काल से बस छुपी हुई थी, और आप मानेंगे नहीं, वहाँ बीच जंगल में बीचों बीच सीढ़ियाँ जा रही थी ऊपर की तरफ। वो सीढ़ियाँ ऊपर कितना ऊपर तक जा रही थी मुझे दिख नहीं पा रहा था, पर मेरे लिए रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यही थी कि वहाँ पर वो सीढ़ियाँ थी। अगर आप थोड़े भी पैरानॉर्मल चीज़ों के फैन रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि इस तरह की सीढ़ियों का क्या मतलब होता है। देखने से लग रहा था कि शायद ऊपर आसमान तक वो ऐसे ही जा रही हैं। हवा में एक अलग सा ही दबाव महसूस हो रहा था। उन सीढ़ियों के सामने खड़े होते हुए मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे नहीं पता था कि मेरा यहाँ पर किस चीज़ से सामना होने वाला था, फिर भी अपने हाथों को संभालते हुए मैं अपनी गाड़ी के पीछे गया और अपने साथ जो मैं एक बड़े से सुअर की लाश लेकर आया था उसे मैं धीरे धीरे अपनी गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। उसका पेट कटा हुआ था और उसको मैंने अपनी पूरी ताकत से गाड़ी से बाहर निकाला, और लगभग 5 मिनट लगे मुझे उसको वहाँ से निकाल कर उन सीढ़ियों के पास लाकर रखने में। उस सुअर की लाश में से बहुत बदबू आ रही थी। मेरे मन में एक साथ कई सारे ख्याल आ रहे थे। एक घटना जो उसी वक्त मेरे दिमाग में आई वो ये, जब मेरी स्टार्टिंग में नौकरी लगी थी उस टाइम पर एक बार जंगल में रात के समय पेट्रोल करते टाइम मुझे एक आदमी मिला था जो कि आधे शराब के नशे में था। उसने कहा जब भी उसे रात में जंगल में सीढ़ियाँ दिखी हैं उसे भूत दिखते हैं। उसके बाद उसने मुझसे ये भी कहा अगर तुम्हें कभी भी वो सीढ़ियाँ दिखे तो उनके पास जाने की सोचना भी मत, तुम कभी भी जंगल से जिंदा नहीं लौटोगे। उसे एक शराबी समझकर मैं वहीं पर छोड़कर चला गया था, और शायद यही मेरी गलती थी क्योंकि अगले 2 दिन बाद हमें उसकी लाश सड़ी हुई हालत में एक नदी के किनारे मिली थी। मुझे उस वक्त इस बात का मतलब समझ में नहीं आया था, पर अब जब मैं ये सब अपनी आंखों से देख रहा था तो मैं बस शांत था। मुझे नहीं पता था कि मुझे कैसे रिएक्ट करना है। उस सुअर की लाश को उस सीढ़ी के सामने रखकर मैं अपनी गाड़ी के पास आया और हेडलाइट्स को ऑन करके उस लाश को देखता रहा, और उन सीढ़ियों को भी जो कि एक पता नहीं क्यों अजीब सा कैद खाना जैसा लग रहा था। पर शायद मुझे वो करना चाहिए था जो कि मुझे करने के लिए बोला गया था, उस सुअर को काट कर वहीं पर छोड़कर वापस चले आना और अगली सर्दियों से पहले लौट कर मत आना। ये थे मेरे इंस्ट्रक्शंस। पर वो मरे हुए बच्चे की लाश अब भी मेरे जहन में कहीं ना कहीं थी। उसके मम्मी पापा के वो रोने की आवाज़ मेरे ऊपर एक बोझ बन रही थी। मैं चाहता था कि उन्हें सुकून मिले और सबको मिल जाए। जितने लोगों को उसने मारा है मैं उसका बदला ले लूँ। यही सोचते हुए मेरा हाथ मेरी बंदूक पर ऑटोमेटिकली चला गया, और मैं उसी जगह पर बैठकर उसका इंतज़ार करने लगा जिसने सबको मार दिया था। मैंने अपनी गाड़ी का इंजन ऑफ कर दिया और एकदम शांति से वहाँ बैठ गया, ये सोचकर कि मैं उसका शिकार आज करके रहूँगा। लगभग 1 घंटे तक मैं वहीं पर बैठा रहा अपनी बंदूक को अपने हाथ में लिए हुए, अपने बदले का इंतज़ार करते हुए जो कि मैं उन सारे खूनों के लिए लेने वाला था। मैंने सोचा था कि मैं सबको इंसाफ दिलाऊंगा। वो बात अलग थी कि आज तक मैंने कभी भी किसी जिंदा चीज़ पर गोली नहीं चलाई थी, और तभी
मैंने अपनी जिंदगी में सबसे तेज चीख सुनी। सबसे तेज घुर्राने की आवाज। मेरे कान मानो एकदम से फटने से लगे थे और वो चीख इतनी तेज थी कि मेरी गाड़ी का शीशा उस पर चटक आ गई थी। मैं चिल्लाया और जोर से चिल्लाया। अपने हाथों से अपने आप को कवर करते हुए मैं गाड़ी का गेट खोलते हुए गाड़ी से बाहर निकला। पर मैं भागा नहीं, मैं कोई डरपोक नहीं था। पर जो चीज मेरे साथ हुई थी उसके कारण मैं सकते में तो जरूर आ गया था। और अब पता नहीं क्यों गाड़ी से बाहर आते ही मैं उस अंधेरी रात में इधर उधर जोर जोर से चिल्लाने लगा, अपनी बंदूक को सामने की ओर निकाले बिना कुछ सोचे समझे गोलियां चलाने लगा। मुझे नहीं पता था वो आवाज कहां से आई थी और वो चीज किस जगह पर थी, पर मैं बस बार 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 गोलियां चलाए जा रहा था। मेरी बंदूक से गन पाउडर की स्मेल मेरे फेस को लगातार हिट कर रही थी। मैं तब तक गोली चलाता रहा जब तक मेरी बंदूक खाली नहीं हो गई। और तब मैंने उस चीज को महसूस करा। उसकी आवाज ऐसी थी मानो कोई बहुत तेज सायरन टाइप की आवाज हो जो कि मेरे पीछे से आई थी। मैं पीछे घूमा तो मेरे सामने और कुछ नहीं, बस एक हाथ था। एक हाथ जो कि मुझे धुएं की तरह लग रहा था। उसके हाथ का रंग इतना काला था कि मैं बता भी नहीं सकता। वो हाथ इतने बड़े थे कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने एक झटके में मुझे इस तरीके से खींच लिया जैसे कि मैं कोई छोटा बच्चा हूँ। उसने एकदम से मुझे पकड़ा और मेरे सिर को पेड़ में इतनी जोर से देकर मारा कि एकदम से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मैं उठा तब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं कोशिश कर रहा था कि कुछ देखूं पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। अपने हाथों से ही मैंने इस बात को महसूस करा कि मेरी दोनों आंखों से खून निकल रहा है। मेरे हाथों की उंगलियों में छोटे छोटे मांस के टुकड़े थे। मैंने अपनी आंखों के पास हाथ लगाकर देखा तो पाया कि मेरी एक आंख काफी ज्यादा बाहर को निकली हुई थी और एक आंख थी ही नहीं। मुझे पता चला कि मेरी एक आंख अब निकाल ली गई थी। वो चीज वो वहां से जा चुकी थी। जो भी चीज थी वो उसने मुझे कम से कम जिंदा छोड़ दिया था, शायद उन लोगों को चेतावनी देने के लिए जो कि उसको एक खतरा ना समझने की भूल कर देते हैं। मैं वहीं पर काफी देर तक अपने पैरों पर रेंगते रेंगते वहां से निकलने की कोशिश करने लगा और जैसे तैसे करके वहां से वापस आया। मुझे कुछ लोगों ने देख लिया और अस्पताल तक लेकर गए। मेरे चेहरे पर उसके चार नाखूनों के बहुत बड़े निशान थे। एक आंख मेरी जा चुकी थी और अपनी दूसरी आंख से देखने के लिए मुझे कुछ दिन लग गए, पर मैं हमेशा के लिए बदसूरत हो चुका था। उसने जो निशान मुझे दिए थे वो अब जिंदगी भर मेरे साथ रहने वाले थे। ऐसा नहीं है इस घटना के बाद मैंने काम छोड़ दिया। मैं अब भी वहीं पर काम करता हूं और अब भी हर साल उस सीढ़ी के पास जाता हूं, कभी कोई मरा हुआ सुअर लेकर या फिर कोई मरा हुआ हिरण लेकर। मैं वहां जाता हूं और उसे घसीटता हुआ उसी सीढ़ी के पास ले आकर छोड़ देता हूं। अब मैं उस जगह को इज्जत देता हूं शायद जो वो डिजर्व करती है। जो चीज वहां पर वो घूम रही है वो शायद अनंत काल तक वैसे ही घूमती रहेगी। बस ये सोचता हूं काश उस बात को मैंने वैसे ही माना होता जैसे कि मुझसे कहा गया था। कुछ लोग उसे एक बलि कहते हैं जो हम करते हैं, कुछ एक प्रथा उनके पुराने देवता को। मुझे नहीं पता कि मैं क्या सोचता हूं, मुझे नहीं पता कि मुझे इस बारे में क्या सोचना चाहिए, पर मैं ऑलरेडी काफी कुछ खो चुका हूं और अब मैं और ज्यादा मरे हुए बच्चे नहीं देखना चाहता। मैं हमेशा से जानती थी मेरी बहन लीजा को कुछ तो परेशानी है, वो कुछ तो अलग थी। एक शनिवार की दोपहर जब मैं लगभग 10 साल की थी, मेरे मम्मी पापा हमारे दरवाजे से अंदर आए एक छोटी सी लड़की को अपने साथ लेकर। उन्होंने उसका हाथ पकड़ रखा था और उन दोनों के चेहरे पर काफ़ी खिली हुई स्माइल थी। पर वो छोटी बच्ची
उसके चेहरे पर कोई स्माइल नहीं थी, एकदम सुन्न चेहरा था उसका। उम्र उसकी लगभग 4 या 5 साल की लग रही होगी और उसने काफ़ी प्यारी सी पिंक ड्रेस पहन रखी थी और उसने खेल खेल के शायद अपने घुटने गंदे कर लिए थे। इसके अलावा सबसे पहली चीज़ जो मैंने उसको नोटिस करी थी वो थे उसके शूज़। वो गंदे से थे, उसके पैर के साइज़ के लगभग 3 गुना बड़े। उसके बाद उस समय उस पूरे दिन कोई बात नहीं हुई, ना मम्मी पापा ने करवाई, ना उस दिन ना उसके अगले दिन और ना ही आने वाले कुछ दिनों में। यहाँ तक कि वो अगले कुछ दिनों तक अपनी ज़िंदगी में थी इस तरीके से मानो शुरू से वहीं पर थी उसी फैमिली में। जब मैं 15 साल की हुई और लीज़ा बस 9 साल की थी तब मेरी मम्मी का एक बहुत ही ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ। एक आदमी जो कि अपने घर जाने की जल्दी में था उसने अपने ट्रक से मम्मी को उड़ा दिया। कोई भी भयानक डिटेल मुझे नहीं बताई गई पर मुझे जो बात पता है वो ये कि लीज़ा मम्मी के साथ थी और वो बिना एक भी खरोच लगे सीधा घर आ गई, वहीं मेरी मम्मी मर गई थी। 4 साल बाद जब मैं 19 साल की हुई और बस कॉलेज निकलने ही वाली थी, बिल्कुल ऐसा ही मेरे पापा के साथ भी हुआ। लीज़ा उस दिन के साथ कार में थी, एक बार फिर से उसे बिल्कुल भी खरोच तक नहीं आई जबकि वो पापा के साइड में ही थी और वो घर आ गई पर पापा नहीं आए। मुझे काफ़ी अजीब लगने लगा, हमारी कोई फैमिली नहीं थी एक दूसरे के अलावा जो कि लीज़ा को अपने साथ रख सके। जिस घर में हम बड़े हुए थे उस घर के खाली कमरे अब बस उसके और मेरे थे। उसका कमरा हमेशा ही हम सब के कमरे से अलग था, फर्स्ट फ्लोर पे सबसे साइड वाला रूम। पर उस पहली रात मैंने जब उसके कमरे के पास गई और उसके कमरे पे जाकर दस्तक दी ये सोच के कि मुझे उसके साथ सोना चाहिए, जब मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो उसने दरवाज़े को बस हल्का सा खोला और अपना फेस बाहर निकाला और इस तरीके से करा ताकि मैं अंदर बिल्कुल भी ना देख पाऊँ और पूछा कि मैं किस लिए वहाँ पर आई हूँ। मैंने उससे पूछा क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ। इसके बाद वो मुझे कसकर पकड़ के लेटी हुई थी बेड के ऊपर। उसकी बड़ी बड़ी ब्राउन आइज़ एकदम बार बार ब्लिंक हो रही थी मानो वो कुछ कहना चाह रही थी। समय बीतता गया और लीज़ा लगभग 17 साल की हो गई लेकिन वो अब भी अपने वही गंदे से काले जूते पहनती थी जो कि शुरू में उसके 3 साइज़ बड़े थे पर अब उसे लगभग फिट आते थे। वो कभी कभी पीछे से आके एकदम से मुझे डरा देती थी, कभी लिविंग रूम में कभी मेरे खुद के बेडरूम में। मैं एकदम से मुड़ती और उसकी बड़ी बड़ी सी आंखें देखती और डर जाती। मुझे पता नहीं क्यों उससे हमेशा डर लगने लगता था। उसने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मना कर दिया। काउंसलर ने बोला क्योंकि उसने दो दो एक्सीडेंट देखे हैं जिससे मम्मी पापा की डेथ हुई है, इस वजह से वो ऐसा नहीं कर रही है। पर उसके जूते वो उसने कभी नहीं उतारे, वो घर आने के बाद भी जूते पहने रखती, घर के अंदर ही पहने रखती और वो बेड पे भी रात में उन्हें पहन के ही सोती थी। मैं हर रोज़ सुबह उसके कमरे में जाकर उसको उठाती थी, उसके बाद मैं उसके साथ उसके स्कूल बस स्टॉप तक जाती थी और फिर वापस जाती थी। मैं उसके बाद अपने काम पे चली जाती थी और जब मैं वापस आती थी तो देखती थी कि वो घर में ही रहती थी कई 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 घंटों तक। उसके स्कूल से कई सारे कॉल्स आते लेकिन वो बताते कि वो स्कूल आई ही नहीं। वो पता नहीं क्यों बहुत ही अलग थी मुझसे, मेरी बहन होते हुए भी सभी लोग यही बात करते थे। मैं अपने मम्मी पापा से काफ़ी सारी मिलती थी पर वो बिल्कुल भी नहीं मिलती थी, कुछ तो अलग था। कभी कभी मुझे लगता था कि शायद मैं उसे अपने मम्मी पापा की डेथ का ज़बरदस्ती गुनहगार मान रही हूँ, इस वजह से उसके बारे में ये सब सोचती हूँ। पर जब धीरे धीरे मैंने उसके ऊपर नज़र रखना शुरू करा तब मुझे पता लगा मैं गलत नहीं हूँ। बचपन में लीज़ा हमेशा जब भी कुछ करती थी, कुछ तोड़ती थी, कुछ भी करती थी तो बस मेरा इल्ज़ाम लगा देती थी। वो बस मेरी ओर देखती और अपनी उंगली को मेरी ओर उठा देती। इसके बाद कोई भी किसी से कुछ नहीं पूछता और मुझे मम्मी पापा से डांट सुननी पड़ती थी। जब मेरे मम्मी पापा ने उसके खिलौने के कटे हुए सिर को हमारे पीछे गार्डन के मिट्टी में दबा हुआ पाया तब उसने एक बार फिर से मेरी ओर इशारा करा और वो बस रोने लगी। मुझे नहीं पता पर मैं क्यों हमेशा उससे डरती जाती थी, कुछ तो उसमें अलग लगता था मुझे।
पर आज कुछ अलग था। मैंने लीजा को नहीं बताया, बिल्कुल नॉर्मल रखा हर एक चीज़ को। दरवाजे पर दस्तक दी, उसको खाना दिया और उसके बाद उसे बस स्टॉप तक छोड़ने गई। कुछ देर तक मैंने वेट करा और उसके बाद मैं उसके कमरे में गई। दरवाज़ा बंद था और मैं अब ड्रॉर्स के पास जाकर ढूंढने लगी हमारी पुरानी मास्टर की, जो कि मेरे पेरेंट्स के पास थी। अब एक अजीब चीज़ जो मुझे थोड़ी देर बाद मिली वो ये कि मुझे लीजा का एक बर्थ सर्टिफिकेट मिला। मुझे लगा मेरे पास जो है वही उसका असली सर्टिफिकेट है, पर अब लगता है नहीं, अब ये वाला असली उसका सर्टिफिकेट है। इस पर राइट साइड में जो जगह जिसमें पेरेंट्स का नाम आता है वो खाली है और डेट भी अलग है। इसके मुताबिक लीजा 10 साल पहले पैदा हुई थी उस डेट के, जो कि अभी वाले बर्थ सर्टिफिकेट में है। पर आखिरकार मुझे चाबी मिल गई थी। मैं इसके बाद उसके रूम में चली गई। उसके रूम में मैं जैसे ही गई, एक अजीब सी गंदी बदबू आ रही थी। उसके कमरे में अभी भी वही बेडशीट थी जो कि वो शुरू से यूज़ कर रही थी बचपन से। मुझे याद है मैं कई बार मम्मी के साथ उसके कमरे में आती थी, देखती थी कि वो गंदी रहती थी। मम्मी जब तक थी तब तक वो धोती भी थी, लेकिन उसके बाद वो कभी शायद उसने धोई भी नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा कर रही है। इसके अलावा उसके कमरे में हर तरफ बस खाने के रैपर्स पड़े हुए थे जो कि काफ़ी अजीब से थे, और दूसरे साइड रूम के काफ़ी अजीब था। हर तरफ बस ड्राइंग बनी हुई थी, हर तरफ दीवार के ऊपर, ज़मीन पर, छत पर, सीलिंग पर, हर जगह पर काफ़ी अजीब तरीके की डरावनी सी इमेज थी जिसमें कार के एक्सीडेंट या फिर कटे फटे लोगों की ड्राइंग बना रखी थी उसने, और सबके चेहरे एकदम काफ़ी ज़्यादा बिगड़े हुए से दिख रहे थे। इसके अलावा उसके पास मम्मी पापा और मेरी फ़ोटो भी थी, पर उस फोटो में उसने खून निकाल रखा था, काफ़ी ज़्यादा रेड रंग का कुछ डाल रखा था, और मेरे फेस को आधा काट रखा था। मम्मी पापा के फेस को भी काफ़ी ज़्यादा ऐसा कर रखा था कि वो बहुत ज़्यादा डरावने से लग रहे थे। एक और चीज़ जो कि हर फोटो के नीचे मैंने देखी वो ये कि हर फोटो के नीचे उसने उल्टे उल्टे पैर बना रखे थे हम लोगों के, जैसे कि मानो हमारे पैर उल्टे हों। इसके बाद मैं उसकी अलमीरा की तरफ बढ़ गई, और उस टाइम पर मुझे पता लगा कि वो सड़ी हुई बदबू कहाँ से आ रही थी, और मैं शायद इस बारे में बता भी नहीं पाऊंगी। आखिरकार मैंने ज़मीन की तरफ पास से देखा, और तब मैंने देखा ज़मीन पर उसने काफ़ी अजीब चीज़ें कर रखी हैं, जैसे कि ड्राइंग में उसने अजीब से षटकोण बना रखे हैं, और मोमबत्ती और नमक वहाँ पर काफ़ी सारा पड़ा हुआ था। वो आ गई है, वो घर जल्दी आ गई है। अभी तो बस 11 बजे हैं, उसे घर नहीं आना चाहिए था, लगभग अगले 4 घंटे तक नहीं आना चाहिए था। मुझे मेन गेट खुलने की आवाज़ आई है और मैं अभी यहाँ पर छुपी हुई हूँ। ज़्यादातर तो चुपचाप आती है, पर इस टाइम पर वो काफ़ी भारी कदमों के साथ ऊपर आ रही है। काफ़ी तेज़ तेज़ धप धप की आवाज़ सीढ़ियों से आ रही है। मुझे नहीं पता मैं क्या करना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। मैं जगह कई घंटों से बंद हूँ, मेरा फ़ोन बस बंद होने वाला है, और अब मैं पता नहीं क्यों पर किसी को भी कॉल नहीं कर पा रही हूँ। बाहर अंधेरा हो गया है, बाहर पता नहीं वो लीजा ही है फिर कौन। वो लगातार सबसे ऊपर आए जा रहा है क्योंकि उसके पैरों की आवाज़ बस आ रही है, लेकिन वो कमरे तक नहीं आ पा रहा। अब मैं सोच रही हूँ कि शायद खिड़की से बाहर ही कूद जाऊँ, जो कि लगभग 40 फीट ऊपर है, और नीचे कंक्रीट की सड़क। अगर मैं ज़िंदा बच जाती हूँ आगे क्या होता है बताऊँगी। राजस्थान अप्रतिम अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण एक प्रदेश। यहाँ के प्राचीन किले और महल बेजोड़ हैं, उनकी भव्यता का वर्णन असीमित है, मानो सीधा स्वर्ग ही आ गया हो धरती पर। इस बार हम चारों का भ्रमण था जैसलमेर दुर्ग। स्थापत्य कला की दृष्टि से उच्च कोटि की विशुद्ध स्थानीय दुर्ग रचना है ये दुर्ग। 150 फीट लंबी और 750 फीट चौड़ी तिकोनी पहाड़ी पर स्थित है। स्थानीय स्रोतों के अनुसार इसका निर्माण 1156 ईस्वी का है, किंतु समकालीन साक्ष्यों के अनुसार 1178 ईस्वी के लगभग इसका निर्माण कार्य आरंभ हुआ, जिसका आरंभ
रावल जैसल ने किया, पर 5 वर्ष के छोटे से समय में ही रावल जैसल का देहांत हो गया। इसके उपरांत उसके उत्तराधिकारी शालिवाहन ने निर्माण कार्य जारी रखकर दुर्ग को मूर्त का रूप दिया, जो आज भी एक प्रहरी की तरह सिर उठाए सैलानियों का आकर्षित कर रहा है। बहुत आनंद विभोर हो उठे हम विशुद्ध राजस्थानी कला को देखकर, मुगलों की कला से एकदम अछूता, संपूर्ण हिंदुत्व से परिपूर्ण। यहाँ ऊंचे ऊंचे सुंदर महल हैं, मंदिर हैं, प्रशासक और जनसाधारण के निवास हेतु मकान बने हुए हैं। भोले भाले राजस्थानी, वहाँ पर हमारी शुरू हुई आवभगत विशुद्ध राजस्थानी संस्कृति। आते समय हमने देखा कि दूर से ही यह सोने के मुकुट की तरह चमक रहा था, क्योंकि ये पीले बलुआ पत्थरों से बना हुआ था। थार के रेतीले समुद्र में एक स्वर्णिम कल्पना। और अब हम आ गए हैं किले के भीतर, महल और इमारतों को देखने। पीले सैंडस्टोन पर नक्काशियां नजरे हट्टे का नाम ही नहीं ले रही थी। पत्थरों में विविध बेलबूटे, जालियां, गवाक्ष, गजब गजब। किले के अंदर खूबसूरत जैन मंदिर, इनकी मूर्तियां पौराणिक गाथा सुनाती हैं। ऐसा लगता है ये मंदिर 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में बने हुए हैं। हम इस अलौकिकता में 4 दिनों तक डूबते रहे और घूमते रहे, लेकिन आखिर वापसी भी तो करनी थी। अब हम चल दिए वापस अपने शहर जोधपुर की ओर। करीब 292 किलोमीटर की दूरी हमें अपनी कार से ही तय करनी थी। 6-7 घंटे का सफर था लगभग। संजू तेज चलाना यार, कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए। पीछे की सीट से रोहित और आशीष उसे उकसाए जा रहे थे और मैंने कार की गति थोड़ी तेज कर दी। इसी बौखलाहट में पता ही नहीं चला कि कार कैसे गलत रास्ते पर आ गई। एक घने जंगल से होकर हम लोग गुजर रहे थे, जिसके एक तरफ तो पहाड़ नजर आ रहे थे और दूसरी तरफ दूर दूर तक सिर्फ जंगल। तभी एकदम से धूल भरी आंधी उठी और सामने धूल के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इससे पहले कि मैं ब्रेक लगाता, गाड़ी खुद ही एक पेड़ से टकराकर रुक गई। अमित ने पिछले पहिए देखे। अरे यार संजू, ये कैसा डाला, दोनों टायर पंचर हो गए। ओफो, इस भरी दोपहरी में हम जाए तो जाए कहाँ, आंधियाँ जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। सुनसान वीरान इलाका और साए साए करती हवाएं, मदमस्त झूमते पेड़ों की शाखाएं और पत्तों की सनसनाहट, खड़खड़ करके आसमान में उड़ते हुए पत्ते अलग ही माहौल बना रहे थे। बड़ा ही भयभीत सा दृश्य था। हम चारों ने कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और शुष्क गले को तर करते करते हमारा पानी भी समाप्त हो गया। अमित साहस करके एक पेड़ पर चढ़ा। वो देखो, उधर एक गांव नजर आ रहा है। हम चारों ने धड़कते हृदय से उस घने जंगल को पार किया और चल दिए उस अनजान गांव की ओर। अरे ये क्या, ये तो बिल्कुल ही सुनसान है, उजाड़ सा एकदम, वीरान, खंडर बन चुके मकान, गिरती खंडित दीवारें और वीरान ही वीरान। मानव क्या, वहां पर तो पंछी तक नहीं था। दूर एक छोटे से टीवे पर एक मंदिर नजर आया। आशान्वित होकर हम वहां पर भाग कर गए और वहां पर देखा एक दरार पड़ता हुआ शिवलिंग और एक मजबूत जंग लगी जंजीर से लटका हुआ घंटा, वो भी जंग लगा हुआ। हे प्रभु, अब तेरा ही सहारा है। और हम घंटे को जोर जोर से बजाने लगे, शायद वहां की आवाज सुनकर कोई वहां पर आ जाए। कोई आया तो नहीं, लेकिन प्रभु ने हमारी पुकार सुन ली थी। कंठ प्यास से सूखा जा रहा था और हमने टीवी पर से गांव के अंदर देखा तो हमें कुछ कुएं नजर आए। हम भागकर पानी की आशा में वहां पर पहुंचे, लेकिन ये क्या, जब भी हम किसी कुएं के मुंह में झांकते तब उसमें से हमें काफी तेज चीख सुनाई देती। बहुत डर लग रहा था उन सूखे पत्तों पर चलते हुए, अपने ही पैरों की आवाज से डर लगने लगा था। पत्तों की आवाजें तो वातावरण को और ज्यादा भयानक बना रही थी। धीरे धीरे चलकर एक टूटे हुए चबूतरे पर जाकर हम लोग बैठ गए। शांति इतनी ज्यादा हो गई थी कि अब हमें अपने दिलों की धड़कनें खुद ही सुनाई दे रही थी। इसी तरह पूरा दिन कब निकल गया
हमें पता ही नहीं चला। रात के समय जो हमारे पास थोड़ा बहुत खाना था हमने उसे खा लिया, और वहाँ पर कुछ हमें काले कुत्ते जो दिखे थे उन्हें भी हमने अपने साथ में ही खिलाया। अंधेरा होते होते अब मौसम ठीक होने लगा था और अब हमें आसमान में चंद्रमा दिखाई दे रहे थे। अरे पूरा चांद, आज तो पूर्णिमा है। और तभी गांव की तरफ से हमें काफ़ी तेज चीखों की आवाज़ सुनाई दी। हम लोग डरते डरते गांव की तरफ देखने लगे। पूरा गांव चांद की रोशनी में नहा रहा था। आश्चर्य हमें उधर देखते ही हुआ, क्योंकि जैसे ही हमने वहां देखा चीखों की आवाज़ बंद हो गई, परंतु सिसकियों की और रोने की आवाज़ आने लगी। हमने देखा कि कुएं के ठीक ऊपर बिल्कुल सफ़ेद एक सफ़ेद साया वहां पर दोनों बाजू फैलाए, मानो हमें ही बुला रहा था। रोहित बोला, वो देखो वो हमसे कुछ कहना चाहती है। और सबसे पहले वो कुत्ता उठकर पूंछ हिलाता हुआ चल पड़ा और हम पांचों उसके पीछे पीछे। न जाने क्यों जहां से कुछ समय पहले हम डरकर भागते हुए आए थे वहीं किसी विशेष कार्य के लिए हम लोग जा रहे थे, किसी संवेदना से अभिभूत होकर। मानो सम्मोहन के कारण हम लोग उस जगह तक पहुंचे और वहीं पर उस सफेद साई के सामने जाकर खड़े हो गए। मुझसे डरो मत, हमारा उद्धार करो। न जाने क्यों ये बात सुनकर अब हमें भी डर नहीं लग रहा था। कौन है आप, मैंने पूछा। अब वो हमें उस गांव की कहानी इस प्रकार सुना रही थी कि मानो गांव का दृश्य हमारी आंखों के सामने ही चित्रित हो उठा। आज से 300 साल पहले ये बहुत सुंदर गांव था। हरे हरे पेड़, फलों से लदे हुए बगीचे, आसमान में उड़ते हुए पंछी, नाना प्रकार के रंगों से रंगीन मकान। पता है मंदिरों को 7 रंग से रंगते थे। प्रतिदिन महकते ताजा पुष्पों से सजाते थे। हर तरह से धन धान्य से परिपूर्ण था ये गांव। नाम था रूपागढ़ी। मेरा नाम मोहिनी है और मैं इस गांव के मुखिया की बेटी थी। ये सारे सूखे कुएं उस समय मीठे जल से भरे हुए थे। कुओं के पानी को पीने के काम में लाते थे और गांव के पीछे एक तालाब था, वहीं पर हम लोग नहाने जाते थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि हमारा पूरा गांव उजड़ गया। वो गणगौर का दिन था, माता की पूजा की तैयारियां हो रही थी और मैं अपनी सहेलियों के साथ पीछे तालाब पर स्नान करने गई हुई थी। तभी अचानक डाकुओं ने गांव पर हमला बोल दिया और सब कुछ तहस नहस कर डाला। जो लोग जान बचाकर भागे बस वो ही जिंदा बचे। जब हम सातों सहेलियां तालाब से वापस आई तो हमने देखा कि हमारी आंखों के सामने ही हमारा प्यारा गांव उजड़ चुका था। चारों ओर बस लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी। हम सातों सहेलियां अपने परिजनों के मृत शरीर से लिपट लिपट कर रोने लगी। और तभी हमें आहट हुई कि डाकू दोबारा वापस आ रहे हैं। शायद हमारे विलाप की आवाजें उन डाकुओं ने सुन ली थी। हम सातों ने एक दूसरे की आंखों में इशारा किया और उन डाकुओं से बचने के लिए इन कुओं में कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली। गांव के लोग कभी वापस नहीं आए। उन्होंने समझा होगा कि डाकू हमें उठाकर ले गए होंगे। तब से सैकड़ों सालों से हमारी आत्माएं यहीं पर तड़प रही हैं। आज ऐसा संयोग आया है कि पूर्णमासी की रात को आपने हमारे दर्द को सुना, वरना आज तक कोई भी इस गांव में आया ही नहीं। अब आप हमारी मदद करिए। पर कैसे, हम कैसे कर सकते हैं आपकी मदद? पहले तो आप इन कुओं में से हम सब सखियों की अस्थियां निकालकर किसी नदी में बहवा दीजिए, फिर इन कुओं की शुद्धि करवा कर यहाँ पूजा करवा दीजिएगा, हमारा मोक्ष हो जाएगा। और फिर जिन गरीबों के पास घर नहीं है, जो दर दर भटकते रहते हैं, उन्हें इस गांव में बसवा दीजिएगा। गांव को आबाद देखकर ही हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। इन सब कार्यों के लिए आपको पैसे चाहिए होंगे। हमारी उस हवेली के खंडहर में तुम्हें एक भूगर्भ दिखाई देगा। उस भूगर्भ में बाएं हाथ की तरफ एक छोटा सा कमरा होगा। उसको खोदने पर तुम्हें सोने चांदी की गिन्नियों से भरे 2 कलश मिलेंगे। उनसे गांव का पुनर्निर्माण हो जाएगा।
अब भोर होने को है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। भोर होते के साथ ही हमारे कुत्तों ने भौंक भौंक कर और कुत्तों को भी इकट्ठा कर दिया और वो सभी कुत्ते एक ही सुर में आलाप करने लगे। इसी आलाप के कारण आसपास के गांव वाले वहां पर आने लगे। अब हम जोधपुर जाना बिल्कुल भूल गए थे। कुएं के चारों तरफ हम लोग सफाई करने में लगे हुए थे। जिन पत्तों की आवाज़ से हम कल डर रहे थे, आज उन पत्तों को हम अपने हाथों से उठाकर एक तरफ कर रहे थे। जैसा जैसा हमसे कहा गया हमने ठीक वैसा ही करा और सबके बाद हमें एक आंतरिक शांति की अनुभूति हुई। एक ऐसी शांति जिसका मैं शब्दों में बखान नहीं कर सकता। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी आखिरी घटना की ओर और ये घटना हमें बताई है मनीषा ने। आइए आगे की घटना को उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। मेरा नाम मनीषा है और मैं जबलपुर से हूँ। अभी मेरी उम्र लगभग 35 साल है और जो घटना मैं आपको बता रही हूँ ये आज से लगभग 8 साल पहले की है। दरअसल उस समय पर मेरी शादी को 2 साल हुए थे और मैं उस टाइम पर फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी। दरअसल मैं आपको अपने गांव के बारे में जहाँ से मैं आई थी कुछ बताना चाहती हूँ। हमारे गांव में ये बोलते थे सब लोग कि वहाँ पर लोग दूसरों के ऊपर कुछ न कुछ भिजवा देते हैं, टोने टोटके, जादू टोना आदि। इसी कारण मेरी माँ बचपन से ही मुझे एक ताबीज़ पहना कर रखती थी। वो ताबीज़ मेरे लिए एक तरह से एक प्रोटेक्शन की तरह था। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी उसके बाद ही मैं अपने गांव गई थी। मुझे प्रेग्नेंट हुए उस टाइम पर बस 2 महीने हुए होंगे। गांव से आने के बाद मैं वापस से अपने हस्बैंड के साथ शहर में रहने के लिए आ गई। इन्हीं बीच कुछ घटना ऐसी हुई जिसमें मेरे गले का वो ताबीज़ मुझसे निकल गया और मेरा इस बात पर ध्यान भी नहीं गया। एक दिन सुबह सुबह मेरे हस्बैंड उठकर जल्दी जल्दी काम वाम करके अपनी जॉब के लिए चले गए थे। मुझे अभी आलस आ रहा था इसलिए मैं बेड पर ही लेटी हुई थी। मैंने सोचा चलिए मैं कुछ देर और लेटूंगी और उसके बाद में उठूंगी। मैं अपने बाएं हाथ के करवट पर थी। अब मुझे ऐसे एक करवट में लेटे लेटे दर्द होने लगा था, इसीलिए मैंने करवट बदलने की सोची और मैं दूसरे साइड की करवट पर आ गई। मैंने टीवी ऑन कर रखा था। थोड़ी देर पहले तक मैं न्यूज़ ही देख रही थी। जब मैंने अपनी करवट बदली उस टाइम पर भी टीवी ऑन था और मुझे टीवी पर न्यूज़ रिपोर्टर के वेदर के बारे में कुछ बोलने की बात सुनाई दे रही थी। उसी टाइम पर एकदम से ही मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो बेड था वो एक साइड को झुकने लगा। सच में मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई और यूं कहूँ तो एकदम से कांप गई। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है जिसके अंदर इतनी ताकत है जो कि बेड को एक साइड पर धकेलने में कामयाब हो रही है। मैं डर चुकी थी, मैं हिलना भी नहीं चाहती थी अब। और तभी मेरी आंखों के सामने वो चीज़ आई। वो एक राक्षस जैसा आदमी ही था। वो काफ़ी ज़्यादा भयानक था, दिखने में इंसान जैसा पर कुछ और। वो अपने दोनों हाथ दोनों पैरों के सहारे ज़मीन पर रेंग रहा था। वो उसके बाद बिस्तर के साइड में आया और बिस्तर के ऊपर चढ़ने लगा। मुझे लगा वो शायद मेरे ऊपर आएगा, पर वो बेड के साइड साइड में ही चारों ओर घूम घूम कर रेंगते हुए चक्कर लगाने लगा। उसकी पीठ पर बहुत लंबे लंबे बाल थे, चेहरा काफ़ी बड़ा था और एकदम काला सा था। एकदम से ही वो मेरे सामने आया और मेरे सामने से एकदम से घुर्राने लगा। वो मुझे छू नहीं रहा था पर उसके मुंह से उसकी जीभ बाहर को लटकी हुई थी। उसने अपनी जीभ से ही मेरे हाथ को छुआ। उसकी जीभ का एहसास मुझे हुआ और वो बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी जीभ उसके मुंह से जुड़ी हुई है ही नहीं, बस बाहर को लटकी हुई थी। और तभी मुझे पता नहीं कहाँ से एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, उसकी सांस में सांस मत लेना। जैसे ही मैंने ऐसा सुना मैंने अपनी सांसें रोक ली और वो जो चीज़ थी वो एकदम से हंसने लगी। वो जानती थी कि मैं ऐसा ज़्यादा देर तक नहीं कर पाऊँगी और क्योंकि मैंने कोई गहरी सांस भी नहीं ली थी इसीलिए मैं ज़्यादा देर तक अपनी सांस रोक भी नहीं सकती थी।
इसलिए मैंने अपने मुंह को अपने हाथों से बंद कर लिया और अपने मुंह को बंद करने की कोशिश करने लगी। उसके बाद वो चीज़ मेरे मुंह के सामने ही अपने मुंह से कुछ धुआं जैसा बाहर निकालने लगी। वो कुछ काला सा धुआं था जो कि उसके मुंह से बाहर आ रहा था। मुझे सांस तो लेनी ही थी, मैं बहुत धीरे धीरे अपनी नाक से सांस लेने की कोशिश करने लगी और तभी मुझे ख्याल आया मेरे बच्चे के बारे में और मेरे दिमाग में बस एक बात आई कि मुझे उसे बचाना होगा। मैंने सांस बिल्कुल भी ना लेने की कोशिश करी पर मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। वो चीज़ लगातार हंसती रही और एकदम से ही वो उठी और फिर वहाँ से जाने लगी। जाने से पहले उसने मेरी ओर पलट के दोबारा देखा और तब मैंने उसका चेहरा और अच्छे से देखा, एकदम लाल और काला चेहरा। ऐसा लग रहा था सीधा नरक से चलकर आया हो। वो बहुत ही भयानक हंसी हंस रहा था। इसके बाद दरवाजे के दूसरी तरफ जाकर वो कहीं गायब हो गया। कुछ देर तक मैं वहीं पर बिना हिले लेटे रही और तब मैंने अपने एक हाथ को उठाया और खुद भी उठी। मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी, मुझे नहीं पता था कि वो क्या था और क्या करने के लिए आया था और मुझसे क्या चाहता था। पर उसके बाद मैंने ये सारी बात जैसे ही अपनी मम्मी को बताई। उन्होंने बताया ये ज़रूर किसी न किसी की करनी है जो कि मेरे ऊपर बस आने ही वाली थी और वो तो शायद बस ईश्वर की कृपा है कि मैं बच गई। मेरी मम्मी ने मुझे दोबारा एक ताबीज़ दिया और अब की बार एक रक्षा सूत्र भी दिया जिसे मैंने अपने घर के बाहर बांधा। इस घटना को तो अब काफ़ी समय हो गया है और अब मेरा बेटा भी है जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, पर इस घटना के बारे में सोचने भर से मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ आज भी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानियाँ। स्टोरीज आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। इस वीडियो पे एम करते हैं 250 लाइक्स के लिए। आई होप आप इतना आराम से पूरा कर दोगे। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।